हेलो गाइस, मैं इरफान। वेलकम टू इरफान हैंडीक्राफ्ट, जहां पर आपको डेकोरेशन के बहुत सारे आइटम्स मिलते हैं। और डेकोरेशन के आइटम्स की मैं बात करूं तो मेरे पास कई सारी वैरायटीज़ हैं इसमें, जैसे कि क्लॉथिंग की जो डेकोरेशन होती है, और उसमें जैसे कि मान के चलो आप टेंट की सीलिंग होगी और साइड पर्दे हो गए और कुर्सी कवर हो गए, और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हैंगिंग्स में होती हैं क्लॉथिंग की, वो हो गई। क्रिस्टल की बात करूँ तो क्रिस्टल में आपको क्रिस्टल के स्टैंड्स मिलते हैं, क्रिस्टल के झूमर्स मिलते हैं, और क्रिस्टल की बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं। अक्रैलिक की बात करूँ तो अक्रैलिक में भी झूमर आपको मिलते हैं, और अक्रैलिक की कई सारी चीज़ें हमारे पास बनती हैं, वो भी आपको मिलेंगी। दूसरा जो फैदर होती है, फैदर में बहुत सारी चीज़ें होती हैं जी, बहुत सारी वैरायटीज़ होती हैं जो हम हैंगिंग्स में बनाते हैं फैदर में, और भी कई सारी चीज़ें हैं हमारे पास जो हम बनाते रहते हैं। और बाकी जो आपको अगर आपको चाहिए वो चीज़ हम बना देंगे ऑर्डर बेस पे। दूसरा, आज मैं जो इस वीडियो में आया हूँ वो स्पेशली इस वजह से आया हूँ क्योंकि हमने जो अपने कारखाने में कुछ चीज़ें बनाई हैं सैम्पल के तौर पर, वो चीज़ हम आपको दिखाएँगे और बताएँगे उसके बारे में कि वो क्या चीज़ है, वो कहाँ पर यूज होती है। तो आपने हमें पिछली वीडियो में, पहली वाली जो वीडियोस हैं उसमें बहुत प्यार दिया, उसके लिए बहुत बहुत दिल से शुक्रिया आपका। आइए चलते हैं इस वीडियो में, थोड़ी सी जानकारी करते हैं कि क्या बनाया हमने। तो आइए अब हम आते हैं इस पर और हम दिखाते हैं आपको कि ये क्या चीज़ है। ठीक है, पहला ये आपको जो दो स्टैंड आपको दिखाई दे रहे हैं, एक तो उसकी सेफ है, हर्ट सेफ, और जो दूसरा वाला है वो दिखाई देगा आपको स्क्वायर में। ठीक है, तो हम इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी करते हैं। सबसे पहली बात यह है कि ये जो है आपका फोल्डिंग है। ठीक है, फोल्डिंग है। दूसरी बात, आप इसका हम कैसे यूज करते हैं, इसका हम यूज करते हैं कहाँ पे, इसका हम बैक स्टेज पे यूज कर सकते हैं, या फिर सेल्फी पॉइंट पे, या आप जहाँ भी चाहें वहाँ पे इसका यूज कर सकते हैं। इसके बारे में मतलब ये इसको हम कैसे यूज कर सकते हैं। दूसरी बात यह है, ये जो आपको पाइप दिखाई दे रहा है, इस पे आपको हिटलॉन लगानी है, यानी कि फॉर्म लगानी है। फॉर्म लगाने के बाद में ये थोड़ा इतना मोटा तकरीबन हो जाता है। मोटा होने के बाद में हम फिर इसमें फूल लगाएंगे, आप लगाओ या हम लगाओ, लेकिन मैं आपसे बता रहा हूँ कि इसमें फूल लगाते हैं, और फूल लगाने के बाद में ये मतलब एक अच्छी सेफ बनती है और बहुत ही प्यारी लगती है जहाँ पर हम इसको मतलब बैक स्टेज पर लगाएँ या फिर सेल्फी पॉइंट पर लगाएँ। ठीक है, तो ये हट सेफ है। ठीक है, और ये हट सेफ बहुत ही प्यारी लगती है फूल लगने के बाद में, और मतलब बहुत ही अच्छी लगती है ये। हालांकि इसका दूसरा ये वाला है, ये अभी अनकम्प्लीट है, ये रहा ये सेफ भी, ये अनकम्प्लीट है, वो बनने वाली है, थोड़ी देर में बन जाएगी वो। दूसरी बात, उसके पीछे आपको दिखाई दे रहा है ना स्क्वायर, ये जो स्क्वायर है एक्चुअल में ये बैक स्टेज का है, और इसमें देखिए ये जो है इसमें ना जगह जगह हम फूल लगाते हैं। ये फूलों का स्टैंड है छोटा, इसके यानी कि ये कॉम्बो है। ठीक है, ये छोटा देखिए, अब देखिए आपको चमकेगा, ये वाला स्टैंड हो गया, और दूसरा वाला ये वाला स्टैंड है इसका, ये कॉम्बो है जी। और ये मतलब बहुत ही प्यारी लगती है। मैं इसकी, अगर आपको चाहिए होगी तो मैं इसकी एक पिक भेज दूंगा, मतलब जैसे कि इसको यूज की जा सकती है। ये भी फोल्डिंग है, फोल्डिंग इसलिए बनाते हैं ताकि ट्रांसपोर्टिंग में कोई प्रॉब्लम ना आए। ठीक है, मतलब कोई प्रॉब्लम कैसे भी नहीं आए। ये हो गया, इसका ट्यूटोरियल हम हालांकि बनाया है, चलो वो बात की बात है, ये हो गया। दूसरा, ये जो फ्लावर स्टैंड है, देखिए भैया इसको ना यहाँ पे लेके आओ, स्पेशली इसको दिखाइएगा, ये फ्लावर स्टैंड है, ये बहुत चलता है। हालांकि देखिए इसमें ये स्क्वायर में है नीचे वाला बेस। दूसरा, इसको हम राउंड में भी बनाते हैं, पार्टी की डिमांड जैसी होती है वैसे हम काम करते हैं। यहाँ पे फूलों के आप गुलदस्ता बंच जो भी रखना है आपने यहाँ रखो, और बाकी इसका फिर लुक देखिएगा जो कि साइडों में लग जाता है। ये हो गया आपका। दूसरा, ये जो है ये जो आपको स्टैंड दिखाई दे रहे हैं, लाइक स्टैंड बोलते हैं इनको, ये बहुत ज़्यादा चलते हैं, और मतलब इसका लुक भी बहुत अच्छा है। इसमें क्या है कि मतलब इसमें होल्डर लगाइएगा, इसमें वायरिंग आती है, आने के बाद में ये बहुत अच्छी स्टैंड है। ये देखिएगा, ये दो स्टैंड है, बहुत प्यारे स्टैंड है, तीन यानी कि ये तीन लेयर में है। फर्स्टली जो है ये फर्स्ट वाला जो है ये 2 फीट है, ये 3 फीट है, और ये 4 फीट है, यानी कि 4 3 2 इसका जो लेयर है 4 3 2 का है। ये आपका फोल्डिंग, ये वाला ये फोल्डिंग सारा है। फोल्डिंग इसलिए होता है क्योंकि ताकि आपको और हमको ट्रांसपोर्टिंग करने में कोई प्रॉब्लम ना आए।
अगर हम फोल्डिंग बनाते हैं तो इसका रीज़न ये है कि आपको कम से कम कॉस्टिंग पड़ती है। दूसरा, ये पान बोलते हैं हम इसको, ये पान है, इसमें होल्डर लगाइएगा, ये भी फोल्डिंग है, होल्डर लगाइएगा इसमें, और बाकी इसका लुक देखिएगा जो कि गैलरी में साइड साइड में लगा देते हैं इसको। दूसरा, एक ये स्टैंड है, ये वाला स्टैंड, इसको ज़रा घुमा के दिखाओ, थोड़ा सा मैं ऐसे कर देता हूँ, ये वाला स्टैंड है, ये ना ये जैसा गेट है, गेट की एंट्री पे आप लगाइएगा और जहाँ भी आपको लगाना है आप उसको लगाइएगा, और लाइट में मतलब जब इसको इसमें लाइट लग जाती है तो बहुत प्यारा लगता है। ये हो गया आपका। और दूसरा, ये हमने दिखाई दिए हैं, इसके बारे में हमने आपको बता ही दिए हैं, और हमने आपको इसके बारे में भी बता दिया है जो कि ये पानी लाइट वाली बोला है हमने, ये भी बता दिया हमने। तीसरा, ये जो है आपका, ये देखिएगा, ये राउंड शेप है, इसका यूज बैलून के लिए करते हैं, या आप जहाँ चाहें वहाँ उसका यूज करते हैं, बैलून के लिए उसका भी यूज करते हैं, वो जो हार्ट शेप है ना वो भी बैलून के लिए यूज कर लेते हैं। ये आपका राउंड शेप है, बिल्कुल बिल्कुल राउंड शेप में है, देखिए बिल्कुल राउंड शेप में है, ये रहे, इसका बैलून के लिए यूज कर सकते हैं आप, बैकड्रॉप के लिए, और इसमें फ्लावर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मर्जी आपकी है कि आप क्या इस्तेमाल करना चाहते हैं और किस पर्पज़ से आप इस्तेमाल करना चाहते हैं, ये डिपेंड आपको करता है, आप पे करता है। ये आप इसको दिखाइए इधर, सूरज, ये सूरज है, ये दो तरीके का होता है, फर्स्टली इसको हैंग करते हैं, सेकंडली इसको स्टैंड करते हैं, स्टैंड का भी बनता है यही, ये स्टैंडिंग हो गया, इसमें नीचे स्टैंड बना देते हैं, और ये आपका हैंगिंग का हो गया, इसमें हम हैंग कर देते हैं, ये हो गया। और बाकी ये झूमर से कुछ, और इसको और दिखा दो आप, तीन वाला, चार, ये जो चार वाला ना, ये उसको और दिखा दो आप, ये छोटे छोटे हैं जो कि बहुत प्यारे लगते हैं, आप इनको कहीं लगाइएगा तो बहुत प्यारे लगते हैं, हालांकि इसमें एक डिज़ाइन और भी आता है, वो भी हो जाएगा। दूसरा देखिए, ये कुछ झूमर्स हैं जो लगे हुए हैं अभी फ़िलहाल, ये रहे झूमर्स हो गए, और वो थोड़ा सा बड़ा झूमर है, अब वो एक झूमर वो हो गया, एक ये क्रिस्टल का झूमर हो गया, और भी बहुत सारी चीज़ें हम लोग बनाते रहते हैं, जैसे टाइम मिलता है तो हम वीडियो भी शूट कर लेते हैं। और बाकी ये हमारा एड्रेस और पता है, नंबर है हमारा 9917347974, दूसरा नंबर है 7906969644, और एक और है नंबर जो कि है 6397903343, ये हो गया। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपको देखने के लिए, अगर आपको अच्छी लगी हो थोड़ी बहुत हमारी इन्फॉर्मेशन तो आप लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, अगर आपको अच्छा लगे तो आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, और कमेंट ज़रूर कीजिएगा जिससे कि हमको ये पता हो जाए कि एक्चुअल में हम कहाँ गलती कर रहे हैं, अगर कोई हमारी कुछ गलतियाँ है या हम, ताकि हम उसको सुधार करके बेहतर बना सकें। और ऑल ओवर इंडिया डिलीवरी करते हैं, जहाँ भी हो आप हमको कॉन्टैक्ट कीजिएगा, हम आपको बताते हैं कि इस वहाँ तक पहुँचने के लिए क्या खर्च आता है, और भी बहुत सारी बातें जो आप हमसे मतलब इन्फॉर्मेशन चाहते हैं आप कॉल कीजिए और हमसे आप पूछ सकते हैं। शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका देखने के लिए।